जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन आर्मी की अग्निपथ स्कीम के बारे में। तो आप सभी को पता है कि आज दोस्तों 14 जून 2022 के लिए तीनों चीफ यानी कि इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की तरफ से ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है कि आज के बाद में जो भी इंडियन आर्मी में PBOR यानी कि पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक पे भर्ती होगी वो अग्निपथ स्कीम के तहत होगी और इसमें भर्ती होने वाले युवाओं के लिए अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इसी के बारे में हम आपको पूरी और डिटेल की जानकारी जो है वो देने वाले हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप देख लीजिए कि अग्निपथ स्कीम है क्या। वैसे मैंने आपको कल भी बताया था इसके बारे में कि 4 ईयर की आपकी सर्विस होगी, आपका हर साल कितना कितना पैसा आपको सैलरी मिलेगी। तो 33,000 से स्टार्ट हो गए दोस्तों, आपकी जो सैलरी होगी वो 30,000 से स्टार्ट होगी। लास्ट 4 ईयर में आपको 40,000 तक सैलरी दी जाएगी और 11,71,000 रुपये आपको भविष्य निधि के तौर पर एक मुश्त किस्त में दिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सेम चीज़ें हैं दोस्तों। सबसे ज़रूरी चीज़ आपकी ये है, यहाँ पे बेस्ड ऑन मेरिट एंड ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट अप टू 25 अग्निवीर सेलेक्टेड थ्रू सेंट्रल ट्रांसपेरेंट रिगोरियस सिस्टम आफ्टर 4 ईयर्स। तो आपके लिए 25% जो युवा होंगे अग्निवीर उनके लिए आपको परमानेंट भी कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं, मैंने कल भी बताया था। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी दोस्तों आपकी, एज लिमिट होगी 17.5 साल से 21 साल, जैसे पहले होती थी कि GD के लिए 17.5 से 21 साल, क्लर्क के लिए 17.5 से 23 साल, टेक्निकल के लिए 17.5 से 23 साल, नर्सिंग असिस्टेंट को भी 23 साल होती थी। अभी वो निकाल दिया गया है, एक एज लिमिट होगी केवल 17.5 से 21 साल तक। चाहे आप किसी भी ट्रेड में भर्ती देख रहे हैं, एज लिमिट आपकी 17.5 से 21 तक ही होगी। रिक्रूटमेंट है दोस्तों, कैंडिडेट विल बी इनरोल्ड अंडर द रिस्पेक्टिव सर्विस एक्ट फॉर ए सर्विस ड्यूरेशन ऑफ 4 ईयर्स इंक्लूडिंग ट्रेनिंग पीरियड। मतलब ट्रेनिंग पीरियड को लगा के आपके लिए 4 साल के लिए इनरोल्ड किया जाएगा। रिक्रूटमेंट एज पर टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है। ट्रेनिंग जो है दोस्तों आपकी इम्पार्टेड रिगोरियस मिलिट्री ट्रेनिंग इन एग्जिस्टिंग ट्रेनिंग सेंटर्स, मतलब जहां पर आज तक इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग होती आई है उन्हीं ट्रेनिंग सेंटर्स में आपकी जो है वो ट्रेनिंग चलाई जाएगी। अपॉर्चुनिटी टू सर्व द नेशन इन वेरिड ट्रेन फ्रॉम माउंटेन टू डिजर्ट ऑन लैंड सी एंड एयर, ठीक है। आपके लिए लैंड सी ऑन एयर और एयर पे सभी पे आपके लिए सर्विस करने का मौका दिया जाएगा, माउंटेन से लेकर रेगिस्तान तक, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों फाइनेंशियल पैकेज। तो फाइनेंशियल पैकेज जो होगा, फर्स्ट ईयर पैकेज अप्रोक्स 4.76 लाख का होगा। अपग्रेडेशन अप टू अप्रोक्स 6.92 लाख इन फोर्थ ईयर, ठीक है। तो मतलब पहले साल जो आपका पैकेज होगा वो 4,76,000 का होगा और ये बढ़कर 6,92,000 तक हो जाएगा 4 ईयर में। रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस, जो कि दोस्तों आपको रिस्क एंड हार्डशिप राशन ड्रेस ट्रेवल अलाउंस एज एप्लीकेबल, मतलब रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस, उसके बाद में राशन अलाउंस, ड्रेस अलाउंस, ट्रेवल अलाउंस, जो भी इंडियन आर्मी के रेगुलर जवानों को मिलता है सेम आपके लिए मिलेगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। उसके बाद में आती है सेवानिधि, 30% ऑफ मंथली इनकम जो आपकी होगी, सैलरी होगी, उसका गवर्नमेंट सेवानिधि में डालती रहेगी आपके लिए और जितना आपसे लिया जाएगा उतना ही अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से आपके सेवानिधि खाते में जमा कर दिया जाएगा, जो कि लास्ट में 4 साल बाद आप जब आप जाएंगे तो आपका 11,71,000 रुपये आपको मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये टैक्स फ्री होगा, इस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। उसके बाद में आती है दोस्तों डेथ कंपेंसेशन। तो नॉन कंट्रीब्यूटरी लाइफ इंश्योरेंस कवर 48 लाख का होगा, एडिशनल एक्स ग्रेसिया 44 लाख तक होगी, ठीक है। उसके बाद में वन टाइम एक्स ग्रेडिया, इसको छोड़ दीजिए। ऑन कंप्लीशन ऑल कैंडिडेट इंटाइटल्ड सेवानिधि ऑन कंप्लीशन ऑफ 4 ईयर्स, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को सेवानिधि मिलेगी किसी को नहीं मिलेगी। जितने भी बच्चे इसमें भर्ती होंगे TOD में, उन सभी के लिए सेवानिधि मिलेगी जो कि 11,71,000 रुपए की होगी, ठीक है। उसके साथ साथ स्किल गेंड सर्टिफिकेट भी होगा दिया जाएगा आपके लिए। स्क्रीनिंग असेसमेंट, ठीक है, स्क्रीनिंग असेसमेंट बहुत जरूरी चीज़ है क्योंकि 4 साल बाद जब आप में से 25% बंदों के लिए जो है वो परमानेंट किया जाएगा तो उनका स्क्रीनिंग असेसमेंट ही होगा, ठीक है। सेंट्रलाइज्ड ट्रांसपेरेंट स्क्रीनिंग बेस्ड ऑन मेरिट एंड डेमोन्स्ट्रेटेड परफॉर्मेंस ड्यूरिंग सर्विस। तो आपके लिए करना क्या है कि 4 साल आपको दिल लगा के काम करना है, आपके यूनिट का जो CO होगा वही आपको रिकमेंड करेगा कि इसको इन 25% में यानी कि रेगुलर करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो आपके लिए अपने यूनिट में, जिस भी यूनिट में आप जाते हैं सर्विस के लिए ट्रेनिंग के बाद में, उसमें दिल लगाकर काम करना है, जो भी टास्क आपको मिले उसको अच्छे से आपको निभाना है, तभी आप परमानेंट हो पाएंगे, ठीक है। अग्निवीर कैन अप्लाई ऑन वॉलंटियर बेसिस टू इनरोल इन द रेगुलर कैडर।
तो आप उसके बाद में अप्लाई करेंगे। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आपको कोई भी जबरदस्ती नहीं है, 4 साल आइए, पैसे लीजिए और अपने घर जाइए। और अगर 4 साल के बाद में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप वॉलंटियर अप्लाई कर सकते हैं रेगुलर कैडेट लिए। फिर आपके लिए क्या है वो, उसमें से आपके स्क्रीनिंग असेसमेंट के तौर पर आपको भर्ती रेगुलर कैडर में कर लिया जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो, आपको कुछ समझ में नहीं आई हो, तो आप मेरी कल की वीडियो देख लेना, जो कि मैंने आपके लिए ऑलरेडी दे चुका हूं मैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो में आपको काफ़ी सारी नॉलेज मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।